नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे इस जावा ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता रहा था जावा अरे लिस्ट के बारे में। दोस्तों तो आज का टॉपिक्स है दोस्तों जावा लिंक लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों ये कौन सा क्लास है, इसको कैसे यूज किया जाएगा। दोस्तों जावा लिंक लिस्ट, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट द जावा अरे लिस्ट। हम जो है इसके पिछले वीडियो में बताए थे जावा अरे लिस्ट के बारे में, एक क्लास है। उसके बाद द लिंक लिस्ट क्लास इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द अरे लिस्ट। तो दोस्तों ये जो है जो लिंक लिस्ट है, ये क्लास जो है उसके आइडेंटिकल है, उसके समान है, अरे लिस्ट के समान है। दोस्तों इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी अलग है उससे। अरे लिस्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक साइड से जो है क्या करते हैं, यानी कि इंडेक्स वाइज जो है हम जिसे जो भी एलिमेंट उसमें डालते हैं वो सबसे पहले जो जाता है वो फर्स्ट सब पहले जाता है दोस्तों, यानी कि पहले इंडेक्स में जाता है। फिर उसके बाद जो डालेंगे वो दूसरे इंडेक्स में जाएगा, फिर जो डालेंगे वो तीसरे इंडेक्स में जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों लिंक लिस्ट में भी उसी प्रकार से होता है। लिंक लिस्ट जो है ये थोड़ा सा और बेटर है उससे, और उसमें जो है हम कहीं से भी किसी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं लिंक लिस्ट जो है, ये इसमें लिंक लिस्ट का दोस्तों दिया है इसको। सबसे पहले तो हम इसको जावा यूटिल से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जावा यूटिल से दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा अरे लिस्ट था, तो लिंक लिस्ट का जो है हम पैकेज जो है या क्लास उसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको जो है हम कैसे मैनेज करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल से पता चल जाएगा दोस्तों ये कैसा है। तो जैसे हमने लिंक लिस्ट का जो है, तो लिंक लिस्ट का दोस्तों इसमें स्ट्रिंग टाइप का है, हमारा जो ही अरे लिस्ट का एग्जांपल है दोस्तों। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये इसमें मैनेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें वॉल्वो है, BMW है, फोर्ड है, मोजडा है। तो यहाँ पे जो है ये भी अरे लिस्ट की तरह ही लिंक लिस्ट भी काम करता है दोस्तों, लेकिन लिंक लिस्ट का अपना एक अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, एक अलग क्वालिटी होता है इसको दोस्तों। थोड़ा अरे लिस्ट से लिंक लिस्ट थोड़ा अलग है इसका। तो अब आप यहां पे समझ लीजिए अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, इसमें दोनों में क्या कंपेरिजन कैसे होता है। द लिंक लिस्ट क्लास जो है इज ए कलेक्शन, द लिंक लिस्ट क्लास इज ए कलेक्शन विच कैन कंटेन्स मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। यानी कि अरे लिस्ट की तरह भी इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, इसमें कंटेंट करता है, कलेक्शन है एक, और जस्ट लाइक द अरे लिस्ट की तरह भी ये भी काम करता है। उसके बाद द लिंक लिस्ट क्लास हैज द ऑल ऑफ द सेम मेथड ऑफ द, यानी लिंक लिस्ट क्लास जो है वो सेम अरे लिस्ट की क्लास की तरह भी है, यानी कि जो भी मेथड जो भी चीज है वो अरे लिस्ट के वो लिंक लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। द लिंक लिस्ट क्लास हैज ऑल ऑफ द सेम मेथड एज द अरे लिस्ट, यानी अरे लिस्ट में जो कुछ भी दिया हुआ है वह लिंक लिस्ट में भी है क्लास, बिकॉज दे बोथ इंप्लीमेंटेड द लिस्ट इंटरफेस। क्योंकि इसमें दोनों इस क्लास में क्या है, इंटरफेस का, किस इंटरफेस का यूज किया गया, लिस्ट का इंटरफेस क्या यूज किया गया दोस्तों। एक इंटरफेस दोस्तों लिस्ट, उस लिस्ट के को यहाँ पे यूज किया गया दोस्तों, उसके बाद ये क्लास बनाया गया है। दिस मीन्स दैट यू कैन एड आइटम, इसका मतलब क्या है, आप आइटम को एड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड क्लियर भी कर सकते हैं द लिस्ट इन द सेम वे, यानी अरे लिस्ट की तरह भी आप जो है लिंक लिस्ट में भी काम कर सकते हैं। हाउएवर व्हाई द अरे लिस्ट क्लास एंड द लिंक लिस्ट क्लास कैन बी यूज इन द सेम वे, यानी कि दोनों क्लास जो है सेम वे में आप यूज कर सकते हैं। दे आर बिल्ट इन वेरी डिफरेंटली, दे आर बिल्ट इन वेरी डिफरेंटली, ये दोनों अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, अलग अलग उसका अपना स्कोप है। हाउ द अरे लिस्ट वर्क, अरे लिस्ट कैसे काम करता है दोस्तों। द अरे लिस्ट क्लास हैज द रेगुलर अरे इनसाइड इट, तो जो लिंक लिस्ट क्लास होता है वह एक रेगुलर अरे होता है इसके अंदर। व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड, जब एक एलिमेंट ऐड किया जाता है इट इज प्लेस्ड इन द अरे, या एक अरे में प्लेस कर दिया जाता है। जब कोई भी एलिमेंट ऐड किया जाता है तो इसमें एक अरे में प्लेस कर दिया जाता है। इफ द अरे इज नॉट बिग एनफ, इफ द अरे इज नॉट बिग एनफ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, a new larger array is created to replace the old one of the
ओल्ड वन इज रिमूव्ड। तो इसमें दोस्तों बहुत बड़ा जो अगर जो नहीं है तो इसमें जो है हमेशा जो है आप क्रिएट कर सकते हैं नया अरे लिस्ट को जो है क्रिएट करते हैं, लार्ज अरे इज क्रिएटेड, जो लार्ज अरे होता है क्रिएट किया जाता है टू रिप्लेस द ओल्ड वन, यानी कि ओल्ड जो उसमें पुराना पहले है उससे जो है रिप्लेस कर लिया जाता है दोस्तों। यानी जो कुछ भी डाला जाता है उसमें हमेशा जो है साइज जो है चेंजेबल हो जाता है, ये चेंजेबल है, वह जैसे भी हम करते हैं एक नया जो है अरे लिस्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, वह साइज जो है हमेशा मॉडिफाई हो जाता है उसका, यानी कि जो जितने भी हम एलिमेंट डालते जाते हैं वो अपने अनुसार एक नया जो है क्लास उसके अंदर क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट, और जो हमारे अनुसार जो है वह उसका साइज जो है क्रिएट कर देता है जितने भी ऑब्जेक्ट डालते जाते हैं दोस्तों। रिप्लेस टू ओल्ड वन एंड ओल्ड इज रिमूव, और ओल्ड को रिमूव कर दिया जाता है और उससे जो है उसका डेटा जो है उसमें चला जाता है, उसके बाद रिमूव हो जाता है। हाउ द लिंक लिस्ट वर्क, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, द लिंक लिस्ट स्टोर इट्स आइटम इन कंटेनर, यानी कि लिंक लिस्ट में जो आइटम स्टोर होता है एक कंटेनर में स्टोर होता है, द लिस्ट हैज ए लिंक टू द फर्स्ट कंटेनर, द लिस्ट हैज ए लिंक टू द फर्स्ट कंटेनर, तो जो लिस्ट होता है वो फर्स्ट कंटेनर से जो है उसका लिंक होता है, एंड ईच कंटेनर हैज ए लिंक टू द नेक्स्ट कंटेनर, और एक प्रत्येक कंटेनर का दोस्तों जो है वह दूसरे कंटेनर से एक लिंक होता है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक होता है लिस्ट में। टू एड एन एलिमेंट टू द लिस्ट, अगर जो हम लिस्ट में जो है कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, द एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द न्यू कंटेनर, यानी कि जैसे कि अगर जो कोई एलिमेंट ऐड किया जाता है तो उस आइटम को जो है वह एक नए कंटेनर में ऐड कर लेता है, प्लेस कर देता है, प्लेस इन द न्यू कंटेनर, एंड द कंटेनर इज लिंक टू द अदर कंटेनर, और जो वह कंटेनर जो है दूसरे कंटेनर से जो है एक लिंक हो जाता है इन द लिस्ट में। व्हेन टू यूज अरे, व्हेन टू यूज, कब इसको यूज किया जाता है, यूज अरे लिस्ट फॉर द स्टोरिंग एक्सेसिंग डाटा, अगर जो हमको नॉर्मली यूज करना है दोस्तों तो यहाँ पे जो है अरे लिस्ट को जो है स्टोरिंग डाटा एक्सेसिंग के रूप में हम यूज कर सकते हैं, एंड लिंक लिस्ट टू मैनिपुलेटिंग डाटा, और लिंक लिस्ट को अगर यूज करना है दोस्तों तो उसके डाटा को मैनिपुलेट करने में भी यूज किया जाता है दोस्तों। लिंक लिस्ट मेथड जो होता है, लिंक लिस्ट मेथड क्या होता है, फॉर मेनी केसेस द अरे लिस्ट इज मोर एफिशिएंट, बहुत सारे केसेस में अरे लिस्ट जो है बहुत हमारे लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है यूज करना, efficient, it is common to need access to random item in the list, but the link list provides several method, और जो link list जो होता है दोस्तों वो बहुत सारे method को और भी provide करता है operation के लिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है add first, उसमें क्या है आपका, आप add कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, set कर सकते हैं, get कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों add first, कहाँ पे हमको add करना है, यानी data manipulation के लिए use किया जाता है। देखिए ऐड फर्स्ट का मतलब है, अब ऐसा नहीं है कि अरे लिस्ट में दोस्तों आप जो भी डाटा ऐड करेंगे वह यानी इंडेक्स वाइज जो है वो ऐड होता चला जाएगा दोस्तों, सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन अगर जो आप ऐसा कर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता दोस्तों, लिंक लिस्ट में दोस्तों आप कहां पर ऐड करना चाहते हैं, ऐड फर्स्ट आप फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं, ऐड लास्ट आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, रिमूव फर्स्ट फर्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव लास्ट रिमूव लास्ट का एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, आप गेट के लिए गेट फर्स्ट गेट द आइटम बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, आप गेट फर्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है लिंक लिस्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है लिंक लिस्ट है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है जावा हैश मैप, जावा हैश मैप होता है, तो लिंक लिस्ट की तरह भी दोस्तों जावा हैश मैप भी होता है, जावा हैश मैप भी एक आपका अरे लिस्ट की तरह ही काम करता है। जावा हैश मैप क्या होता है दोस्तों, इन द अरे लिस्ट चैप्टर यू लर्न दैट द अरे स्टोर आइटम एंड ऑर्डर कलेक्शन एंड यू हैव टू एक्सेस देम विद द इंडेक्स नंबर, आप जो है अरे लिस्ट में इंडेक्स नंबर से जो है आप दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जैसे इंटीजर टाइप का है, लेकिन ए हैश मैप हाउ वर स्टोर आइटम इन द के वैल्यू, हैश मैप दोस्तों क्यों यूज किया जाता है, हैश मैप अगर जो हमको हमारे पास अरे लिस्ट लिंक लिस्ट दो, ये तो दोस्तों आपका हो गया एक वैल्यू जो है एक डेटा टाइप का दोस्तों स्टोर करता है, लेकिन हैश मैप दोस्तों इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप का होता है, इसमें जो है हम के और वैल्यू टाइप का स्टोर करते हैं दोस्तों, यानी कि की नेम और वैल्यू नेम उसका, यानी कि जैसे मान लीजिए नेम
इस प्रकार से कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि नंबर है, नंबर का वैल्यू है, यानी के वन बराबर वन है, के टू बराबर टू है, के थ्री बराबर, इस प्रकार से उसका नेम भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि नेम भी, जैसे जैसे मान लीजिए आपको, हमको यूज करना है किसी का एज यूज करना है, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि राम एज फला, दीपक एज फला, इस प्रकार से दोस्तों हम यूज कर सकते हैं। इसमें के और वैल्यू के रूप में इसमें स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, यानी के वैल्यू पेयर के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्सेस देम बाय द इंडेक्स ऑफ द एनोदर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग। इसमें दोस्तों इंडेक्स के रूप में भी यूज कर इसको गेट कर सकते हैं, उसमें जो दोस्तों हम उसके के वैल्यू जो की के रूप में भी हम गेट कर सकते हैं, यानी की नेम, की नेम का जैसे मतलब एज है 34 साल, यानी एज 34, इस प्रकार से जो है एज जो है इस पर हम यूज कर सकते हैं। यानी हमारा जो एज या नेम भी यूनिक होना चाहिए दोस्तों, यानी की वैल्यू, की वैल्यू मान लीजिए हम राम एज, श्याम एज, इस प्रकार से जो है भी हम इसको कर सकते हैं, यानी राम श्याम इस प्रकार का एज करके भी स्टोर कर सकते हैं कि इनका एज इतना है, इनका एज इतना है दोस्तों। यानी के वैल्यू, के भी होगा वैल्यू, के नेम होगा और की का वैल्यू भी होगा, इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में क्रिएट हैश मैप ऑब्जेक्ट कॉल्ड कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी मान लीजिए फला का कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल क्या है, स्टोर स्ट्रिंग के एंड वैल्यू के रूम में। तो यहाँ पे हम इसका पैकेज जो है हैश मैप का जो है यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है टाइप कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है हम हैश मैप को जो है यूज करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हैश मैप को जो है हैश मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू यहाँ पे होता है, एक की होता है एक वैल्यू होता है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसका डिक्लेरेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी इस दो टाइप का होता है, यानी कि के स्ट्रिंग टाइप का है, इसका वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है। अगर जो हमारा के दोस्तों स्ट्रिंग टाइप का है और वैल्यू अगर जो हमारा इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे दोस्तों हैश मैप में। तो इसका एग्जाम्पल जो दोस्तों अगर जो हम यहाँ पे करते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है भी ये काम करता है, लेकिन ये जो है के वैल्यू पेयर के रूम में जो है हम इसको ज्यादा हम पसंद करते हैं यहाँ पे यूज करना। के वैल्यू जहाँ पे हमको इस प्रकार से आता है के वैल्यू स्टोर करना होता है, वहां पे हम दोस्तों हैश मैप का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हैश मैप जो है एक कैपिटल सिटी के का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यहाँ पे कैपिटल सिटी पुट, इंग्लैंड का लंदन है, जर्मनी का बर्लिन है, नॉर्वे का ओस्लो है, यूएसए का वाशिंगटन है, इस प्रकार से दोस्तों के वैल्यू के रूम में जो है हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट भी कर दे रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है के वैल्यू के रूम में यहाँ पे स्टोर हो गया है, यानी कि यूएसए का क्या है ये है, उसके बाद नॉर्थवे का इस है ये है, ये भी एक अरे लिस्ट में की तरह भी ये काम करता है, लेकिन जो है के वैल्यू पेयर के रूप में जो है स्टोर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो दोस्तों हम लिंक हैश मैप का जो है यूज कर सकते हैं। हैश मैप में दोस्तों एक्सेस एन आइटम टू एक्सेस ए वैल्यू इन द हैश मैप टू गेट, इसमें गेट करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कैपिटल सिटी डॉट गेट इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है हमारा की है, तो इंग्लैंड की जब है हमारा दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमको रिमूव करना है, तो हम की का वैल्यू डाल करके हम रिमूव कर सकते हैं, हमारा इंग्लैंड जो है डाल करके, यानी कैपिटल सिटी और डाट रिमूव करके इंग्लैंड डाल देंगे, की वैल्यू की को डाल देंगे, रिमूव हो जाएगा। क्लियर करने के लिए दोस्तों लिंक लिस्ट अरे लिस्ट की तरह भी क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हैश मैप साइज, साइज जो है हम इससे पता कर सकते हैं इसका साइज कितना है, ये जो चीज साइज फंक्शन दिया हुआ है। लूप थ्रू हैश मैप, हैश मैप का भी हम एक लूप यूज कर सकते हैं दोस्तों, फॉर लूप की तरह जो है, स्ट्रिंग आई कैपिटल गेट सेट की सेट, यहाँ पे की सेट कितना की दो है दिया हुआ है दोस्तों, उसको जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि हर वैल्यू का जो है की, यहाँ पे कौन सा की यूज किया गया है यहाँ पे हम जान सकते हैं दोस्तों। जैसा कि इसको हम कोड में रख करके इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों, यानी कि सेम उसी प्रकार से काम कर सकता है। यहाँ पे जो की का वैल्यू है की से ही हम इसका निकाल सकते हैं, तो सारे की को जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसा कि गेट सेट, की सेट जो दिया, यानी जितना भी की इसमें यूज किए हैं सबका इसमें आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब हैश मैप जो है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए, यहाँ पे जो डाले हैं यूएसए सबसे नीचे है, यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने आप बिना सॉर्ट किए ही अब सॉर्ट हो गया है दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद जो है एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रिंट वैल्यू, अब वैल्यू को दोस्तों हमको प्रिंट करना है, वहां पे की सेट को हम यूज किए थे, अब यहाँ पे दोस्तों हम की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं,
यानी बायलोज जो दिए हैं, बायलोज यहां पे जो है बायलू को भी यहां पे की का प्रिंट किए हैं, यहां पे बायलू का प्रिंट किए, कैपिटल सिटीज डॉट बायलोज, तो यानी जितने बायलू होंगे उसमें सब बायलू को जो है ये प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों यहां पे क्या है, यहां पे सब बायलू को जो है यहां पे प्रिंट कर दिया दोस्तों, जितने भी बायलू दिए हुए हैं यहां पे, यानी कि चार हैं यहां पे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बायलू, इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों यहां पे के सेट को, तब उसके बाद रन कराते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाशिंगटन डीसी आ गया है, सबसे नीचे यह वैल्यू आ रहा है, उसके बाद ओस्लो, लंदन, बर्लिन, इस प्रकार से दोस्तों ये दे रहा है यानी कि। तो हम इसमें जो है की और वैल्यू के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रिंट के वैल्यू, दोनों को प्रिंट करना है दोस्तों, अगर जो के वैल्यू को भी प्रिंट करना है हमको तो डायरेक्टली इसको जो है हम इस प्रकार से भी प्रिंट कर सकते हैं के वैल्यू को। यहाँ पे देख सकते हैं क्या फॉर लूप चला दिए हैं, स्ट्रिंग आई कैपिटल सिटी गेट सेट। अब की अगर जो हमको प्राप्त हो जाए दोस्तों तो उस की का वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर जो हमको की का की प्राप्त हो जाए तो उस की को डाल करके उस वैल्यू को भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी प्रिंट में क्या किए, की क्या है हमारा आई है, और वैल्यू क्या है हमारा कैपिटल सिटी डॉट गेट, गेट की क्या है हमारा जो की, गेट का मतलब जो है आई, आई क्या है की है, उस की का वैल्यू को जो है वो गेट करेगा दोस्तों, प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं आप जो है इस प्रकार से आएगा, की हमारा क्या है यूएसए, और वैल्यू क्या है ये है, की हमारा नॉर्वे है, वैल्यू इतना इतना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसमें यह हैश मैप को प्रिंट कर सकते हैं। अदर टाइप का जो है केज एंड वैल्यू इज द हैश मैप आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट, के और वैल्यू जो है वो हैश मैप में क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। इन द एग्जांपल वो वी यूज द ऑब्जेक्ट टू टाइप द स्ट्रिंग, रिमेंबर दैट द स्ट्रिंग इन जावा इज ए ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रिंग क्या है जावा में एक ऑब्जेक्ट है, नॉन प्राइमेटिव टाइप टू यूज द ऑब्जेक्ट, नॉन प्राइमेटिव टाइप होता है। टू यूज अदर टाइप सच एज इंटीजर, आप इंटीजर यूज कर सकते हैं, मस्ट स्पेसिफाई द इक्विवेलेंट रैपर क्लास। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रैपर क्लास दिए हुए हैं इसमें हैश मैप के, ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। फॉर अदर प्राइमेटिव टाइप्स यूज बूलियन भी यूज कर सकते हैं, और करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज किया गया है हैश मैप स्ट्रिंग। तो इस एग्जाम्पल को जो है हम कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हैश मैप डिक्लेयर कर दिया गया है, प्यूपल टाइप का है, क्या है स्ट्रिंग है ये है और इंटीजर है, यानी कि प्यूपल पुट जॉन 32 साल का, आपको बताया था ना नेम वाइज अगर जो उसका हम एज ऐड करते हैं, तो इस प्रकार का प्यूपल जो है ऑब्जेक्ट है, पुट इसमें पुट कर सकते हैं जॉन 32 साल, प्यूपल पुट स्टीव पुट 30 और इसमें जो है एजिल 33, इस प्रकार से जो है हम इसको पुट करके जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। अब जो है यहाँ पे भी प्रिंट भी करवा, यहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे बैलू को प्रिंट, यानी कि क्या है एजिल बैलू 30 इतना दिया, सब दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है हम बैलू को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अभी लिंक लिस्ट की तरह में, लिंक लिस्ट हो गया, हैश मैप हो गया, अभी दोस्तों जावा हैश सेट हो गया, जावा इटरेटर हो गया। तो अगले वीडियो में दोस्तों इसकी चर्चा करेंगे। अगर जो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।